नमस्कार दोस्तों, आज फिर से कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित विषय के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कविताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। और हमने कल पहली कविता शुरू की थी, आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कल हमने कविता की व्याख्या पढ़ी थी और आज हम उसके काव्य संग्रह से शुरू कर रहे हैं। काव्य संग्रह के अंतर्गत हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। शिल्प पक्ष के अंतर्गत प्रायः बच्चे पूछते हैं कि हमें इसमें लिखना क्या है, तो मैंने कोशिश की है कि हम बता पाएं कि शिल्प पक्ष के अंतर्गत हमें किन किन तथ्यों की चर्चा करनी होती है। वास्तव में कविता को अगर हम एक सजीव नारी के रूप में लें तो जो भाव है वो उसकी आत्मा है और जो शिल्प है वो उसका तन, उसका शरीर है। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति के रूप आकार की गुणों की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही कविता की प्रशंसा करते समय सबसे पहले उसकी भाषा और शैली की बात आती है। ये कविता जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई थी, इसे आप देख सकते हैं, चित्रों के रूप में उकेरा जा सकता है। एक कवि है जो व्याकुल है और अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, और वो बड़ा भावुक भी है, संवेदनशील है। तो उसकी संवेदनशीलता, उसकी भावुकता के आधार पर इस कविता की शैली क्या हो जाएगी? भावात्मक शैली। तो शैली रहेगी चित्रात्मक और भावात्मक शैली। फिर बात आती है भाषा की। जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं इसे व्याकरणिक दृष्टि से खड़ी बोली कहा जाता है, यानी हिंदी की कविता है। और हिंदी की इस कविताओं में अक्सर हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अवधी भाषा की कविताएं पढ़ते हैं, ब्रज भाषा की कविताएं पढ़ते हैं, मैथिली, भोजपुरी, ये सारे हिंदी के ही रूप माने जाते हैं। और जो आम बोलचाल की भाषा है, जो जन समुदाय के बीच संपर्क की भाषा है, वर्तमान में उसे खड़ी बोली कहा जाता है। तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस, कक्षा 10वीं में आपने रस भी पढ़े होंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य में 9 रसों की बात की जाती है, वर्तमान में उसमें वात्सल्य रस भी जोड़ दिया तो वो 10 रस मान लिए जाते हैं। 10वीं में आप इस कक्षा को इसके बारे में कक्षा में पढ़ चुके होंगे। फिलहाल जो कविता आत्म परिचय हमने पढ़ी है उसमें कवि ने संसार के प्रति अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करते समय एक वेदना, एक पीड़ा प्रकट की है, और ये पीड़ा अपनी प्रेयसी के खो जाने की है। तो श्रृंगार रस का वियोग पक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। उसके अतिरिक्त कवि अपने जीवन में किस तरह सरलता और सहजता से सब कुछ अपना रहा है, तो यहाँ शांत रस हो जाएगा। और जहाँ कवि के मन की पीड़ा व्यक्त होती है, क्योंकि वो बाहर हंसता है लेकिन भीतर रोता है, तो यहाँ करुण रस की बात भी दिखाई दे रही है। फिर बात करते हैं बिंब की। सामान्यतः जीवन के सारे अनुभव हम अपनी 5 इंद्रियों से ग्रहण किया करते हैं, और वो 5 इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, त्वचा। इसी आधार पर कविताओं को पढ़ते समय हम जिस अंग का उपयोग करते हैं उस भाव को ग्रहण करने के लिए, जैसे कोई चीज दिखाई देती है जिसके लिए हमें आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम कहते हैं दृश्य बिंब। वैसे जब चीजों को सुना जाता है, जैसे कहीं स्कूल में आप घंटी की आवाज सुनते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वैसे ही पक्षी चहकते हैं, कलरव करते हैं और बादल गरजते हैं, ये सारी ध्वन्यात्मकता नाद बिंब के अंतर्गत महसूस की जाती है। इसके अतिरिक्त 3 बिंब हम और भी पढ़ते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों के हम स्वाद की बात करते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो स्वाद बिंब की बात आ जाती है। कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कोमल है या कठोर है, तो वहाँ स्पर्श बिंब की बात की जाती है। तो हम इस कविता की बात करें तो कवि अपने मन की पीड़ा को गीतों के रूप में व्यक्त करता है, तो वहाँ नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तो बिंब होगा नाद बिंब। इसके उपरांत काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें शब्द शक्ति की भी चर्चा करनी पड़ती है। देखेंगे शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। अब अभिधा और लक्षणा क्या है? जब शब्दों का सामान्य अर्थ हो, आम बोलचाल में की भाषा में जिन शब्दों को हम बोलते हैं और उसके उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, जैसे सरलता से आप इसे समझ सकते हैं, धोबी गधे पर कपड़े लादकर ले जा रहा है। गधा शब्द एक पशु के लिए प्रयोग में लाया जाता है,
जो चार पांव वाला जानवर है सामान्यतः धोबी के पास, कुम्हार के पास या किसी के पास भी हो सकता है जिसे हम वजन उठ पाते हैं, और सामान्यतः उसे अपने आसपास के परिवेश में हम देख सकते हैं। वैसे जैसे उसके पास एक कुत्ता है, या धोबी और कुत्ता या गधा, ये सारे शब्द हमारे सामान्य अर्थों को ग्रहण करने में सक्षम है और हम उन्हीं अर्थों में उन्हें ग्रहण भी करते, तो इसे कहा जाता है अभिधा शब्द शक्ति। वैसे कवि का ये कहना कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कवि में मैं अर्थात मैं कौन, कवि हरिवंश राय बच्चन, तो यहां मैं सर्वनाम उनके लिए प्रयोग में लाया गया, तो ये क्या है अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन जग जीवन का भार, अब भार उठाना, कूली भार उठाता है, आप भी कभी कोई गठरी उठाते हैं तो उसे कहा जाता है ये भार उठाकर वहां रख दो, इतना भारी है। लेकिन कभी कभी हम इसे लक्षणों के आधार पर प्रयोग में लाते हैं, उसका भी सरल उदाहरण हो सकता है, कभी कभी किसी व्यक्ति की मूर्खता के लिए हम कह देते हैं वह व्यक्ति तो निरा गधा है। अब गधा है तो ये नहीं कि वो घास खाने लगा, उसके चार पांव हो गए, वास्तव में उसके लक्षण कैसे हैं, गधे के समान, वह बड़ा वफादार है, और वफादार के लिए कहते हैं कुत्ते की तरह वफादारी दिखा रहा है, या वह खंबे जैसा लंबा है, यानी उसके लक्षण कैसे हैं। वैसे इस कविता में हम बात करें तो जग जीवन का भार, जो जिम्मेवारियां हैं, जो दायित्व हैं, जो प्रतिबंध है, जिसके कल हमने व्याख्या केंद्र की चर्चा की थी, कवि को ये भार महसूस हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। और इसके अतिरिक्त तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शायद आपसे पूछा भी गया होगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। जहां शब्दों का ना सरल अर्थ सामान्य अर्थ हो, यानी रूढ़ अर्थ जिसे हम कहते हैं, ना लक्षणों के आधार पर हो, बल्कि जहां व्यंग्यात्मकता हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। वैसे इस कविता की बात करें तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों की बात हम कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त काव्य सौंदर्य के अंतर्गत शिल्प पक्ष की चर्चा करने पर अलंकारों का भी जिक्र किया जाता है, और सामान्यतः अनुप्रास अलंकार सबसे सरल सबसे सहज, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में भी इसका जिक्र कहीं होता है, और आप जानते होंगे इसकी पहचान, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब पुनः प्रयोग होना, तो उसमें अनुप्रास अलंकार की बात की जाती है। वैसे कविता आपके पास अगर पुस्तक उपलब्ध है तो आप देखेंगे पहली पंक्ति में मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, जग और जीवन देखेंगे दोनों में जो पहला अक्षर है जिसे हम व्यंजन वर्ण कह रहे हैं, ज वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जग जीवन में अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे काव्यांश में आप देख सकते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, तो यहां रूपक अलंकार हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो रूपक अलंकार के अतिरिक्त यहां प्रश्न अलंकार की बात भी की गई है, देखेंगे प्रश्न अलंकार कहां है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, जब किसी काव्य पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम देखते हैं, प्रश्न के रूप में उसे पूछा जा रहा है, तो वहां प्रश्न अलंकार माना जाता है। इसके अतिरिक्त जब किसी शब्द को एक से अधिक बार दोहरा दिया जाए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो उसमें यमक अलंकार की हम बात कहते हैं। वैसे यहां देखेंगे मैं और जग और कहां का नाता, इस काव्यांश में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और अर्थात मैं कुछ और सोचता हूं, मेरे चिंतन का, मेरे महसूस करने का, इस संसार में अपनी प्रतिक्रियाएं देने का तरीका कुछ और है। दूसरा और योजक चिन्ह के रूप में है, कल व्याख्या के अंतर्गत मैंने बताया था तथा एवं और, ये सारे समानार्थी शब्द प्राय माने जाते हैं, और दूसरा और योजक चिन्ह है जग और, कि मैं कुछ और सोचता हूं और जग कुछ और सोचता है, तो यहां यमक अलंकार होगा। तो इस तरह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आप जानते होंगे, जब किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए अर्थ समान हो, जैसे एक कविता आपने पढ़ी होगी जिसमें शायद 9वीं कक्षा में थी, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के,
झम 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 झम, एक शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है और अर्थ समान है। वैसे ही इस कविता में भी आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी एक या दो स्थानों पर हुआ है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी बना बना बनाना बार बार बनाता है, बार बार जग मिटते हैं, तो यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न जो हमारे पाठ्यक्रम में आएगा, कविता की दो या तीन पंक्तियां दी जाएंगी, उन पंक्तियों में आपसे कहा जाएगा कि इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए, या इसके अलंकार योजना पर या शब्द शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न जो दो दो अंकों के आएंगे, उसे जानने के लिए हमें व्याख्या का आना जरूरी है, और साथ ही साथ पूरी कविता के काव्य सौंदर्य को हम समझ पाएं, उसके लिए छोटी सी कोशिश। सामान्यतः कक्षा में हम इसे श्याम पट पर बड़े अक्षरों में समझाने में सक्षम हो जाते हैं, और फिलहाल आप सभी जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं बहुत गंभीर होंगे, तभी आप इस विषय को सुन रहे हैं। आपका इस लाइव वीडियो में स्वागत है, और आपकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसमें जो प्रश्न आपके होंगे, उसमें आपका स्वागत रहेगा। आप समय समय पर जो प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका शत प्रतिशत उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल पहली कविता का ये काव्य सौंदर्य का भाव हम पूर्ण कर चुके हैं, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर की। आपके पाठ्यक्रम में जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे, कविता के बाद के भी प्रश्न आते हैं, और एक काव्यांश दिया जाता है जिसमें आपसे तीन प्रश्न दो दो अंकों के पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले थोड़ी सी उसकी एक बार अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं उन प्रश्नों को आप अपने पास नोटबुक रखें, नोट करते जाएं, उनके उत्तर भी आप हल कर सकते हैं, और आप उन्हें प्रतिक्रिया में बता भी सकते हैं। किसी प्रकार की शंका होने पर मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। तो कविता का पहला प्रश्न है कि एक ओर कवि जग जीवन का भार ढोने की बात करता है, और दूसरी ओर वो कभी ना जग का ध्यान किया करता। तो यहाँ विरोधाभास हमें दिखाई देता, बिल्कुल विपरीत बातें हैं कि मैं जगत में रह रहा हूँ, जगत की जिम्मेवारियों को भी बोझ के समान अपना रहा हूँ, लेकिन दूसरी ओर उसका कहना कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। तो हम इस प्रश्न को देखेंगे, ये पहला प्रश्न और परीक्षा में कई बार ये आ चुका है। काव्यांश दिए जाने पर उसके नीचे भी प्रश्न बनता है, अन्यथा काव्य के विषय वस्तु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं एक बार फिर से। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो उत्तर इसका होगा, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह देख रहा हूं तस्वीर साफ नहीं आ रही है, इसीलिए मैं कल कोशिश करूंगा इन प्रश्नों को भी इसी प्रकार बड़े आकार में अलग अलग रंगों में लिखूं, ताकि आप उसे और अधिक सहजता से देखकर समझ सकें। लेकिन फिलहाल आप जानने की बात कर रहे हैं आत्म परिचय, और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इसी के हम प्रश्नों को देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न था जिसका उत्तर होगा, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है, तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यह कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। इसका दूसरा प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? आपकी पुस्तक में ये दूसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहां।
पुस्तकें मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके पास उपलब्ध हों तो उन्हें अवश्य ही अपने पास रखें, अन्यथा पीडीएफ फॉर्म में जो किताबें आपके पास हैं उसके कुछ पन्ने आप प्रिंट कर लें, ताकि शुरुआत की जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में आपके पास कुछ सरलता हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? नादान यानी अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है, जबकि संसार असत्य है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैंने अभी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताया था यहां यमक अलंकार है, तो यहां और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहां यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 4, इसे कभी कभी दूसरे रूप में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आया भी था। आत्म परिचय कविता में कवि के कथन, शीतल वाणी में आग का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए, या शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इस कथन से कवि का क्या आशय है? तो कवि ने यहां विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह, असंतोष, संसार की व्यवस्था को बदल देने की भावना बड़ी प्रबल है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करते हुए वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। तो इस तरह हमारा ये पहला पाठ अपने प्रश्नोत्तर के रूप में पूरा होता है, लेकिन इसी कविताओं के संबंध में आपसे फिर से आग्रह करूंगा, कविताओं के बीच से भी 2-2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यांश दिया जाएगा, उस काव्यांश के नीचे 2-2 अंकों के प्रश्न रहेंगे, तो उनका अभ्यास आप अवश्य करें। और मैं अगली कक्षा में आपको ऐसे ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा जिनसे आप अभ्यास करते हुए इस कविता को ना केवल अच्छे ढंग से समझ पाए बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें। तो आज हम दूसरी कविता की ओर बढ़ रहे हैं। कवि वही है हरिवंश राय बच्चन, और कविता का शीर्षक, वो कविता कहना भी शायद इसमें कुछ दोषपूर्ण दिखाई देगा क्योंकि ये गीत है। गीत और कविता में आप अंतर सहज ही समझ पाते हैं। कविताएं छंदबद्ध भी हो सकती हैं, छंद मुक्त भी होती हैं। प्राय आजकल कविताएं छंद मुक्त रची जाती हैं, लेकिन गीतों का अपना प्रभाव होता है। गीत सरलता से हमारे मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत अच्छा स्वर ना होने के बावजूद आप देखेंगे इस गीत को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन
जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर तापद को भर, ताउर में विह वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अलग अलग स्थितियों में समय की एक ही मात्रा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भूमिका निभाती है। सामान्यतः कहा जाता है कि खुशियों का पल बहुत जल्दी बीत जाता है और गम का पल बिताए नहीं बीतता। कष्ट की रातें लंबी दिखाई देती हैं, वो खुशियों में रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और यह कवि हरिवंश राय बच्चन अपने जीवन के उस काल की कविताओं में जहां उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था, उनकी पहली पत्नी श्यामा जिनका निधन हो गया था, अब वो अपने जीवन में एकाकीपन में जीते हुए कभी कभी निराशा और अवसाद के उस पलों में ये मान ही नहीं पाते कि घर में कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा, उन्हें घर भी जाना होगा। वो जहां है जिस स्थिति में है वहीं रुक जाते हैं। और ऐसी कुछ पीड़ा, ऐसी कुछ मार्मिकता इस गीत में है। साथ ही साथ उस स्थिति का भी जिक्र किया है जहां कोई किसी की प्रतीक्षा करता है तो व्यक्ति किस तरह अपने पांव में गति भरकर जल्द से जल्द अपने प्रियजनों तक पहुंच जाना चाहता है। तो कठिन शब्दार्थ पहले देखेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ अर्थात रास्ता। और यहां लक्षणा शब्द शक्ति भी हमें महसूस होगी। हो जाए ना पथ में रात कहीं मंजिल अर्थात लक्ष्य। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी अर्थात मुसाफिर यात्री। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा और आशा दोनों मिलाकर बन गए प्रत्याशा। यानी हम बहुत व्याकुलता से इंतजार करते हैं, उम्मीदों से इंतजार करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की इच्छाओं में हम लोगों से जो आशा और उम्मीद रखते हैं उसे कहा जाता प्रत्याशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे, यहाँ कवि का जो संसार है सिर्फ मानव संसार की बात नहीं कर रहा है, वो सांसारिक जीव जंतुओं में पशु पक्षियों का जिक्र भी करते हुए बताना चाहते कि पक्षी जिनके बच्चे घोंसले में है, नीड़ अर्थात घोंसला। यह ध्यान परों में, पर अर्थात पंख, चिड़ियों, यहां चिड़िया की बात नहीं की जा रही, सभी प्रकार के पक्षी जो संसार में पाए जाते हैं उन सबको चिड़िया कह दिया गया है। चंचलता अर्थात गति। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल अर्थात व्याकुल। मैं कौन हूं किसके हित अर्थात किसके लाभ के लिए, किसके लिए। चंचल वही चपलता गति। यह प्रश्न शिथिल, शिथिल जब व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, उत्साह नहीं रहता, ऊर्जा नहीं रहती, काम करने के बाद थक जाता है तो शिथिलता आ जाती है। पद पांव और हृदय विह्वलता व्याकुलता। तो देखेंगे इस कविता की व्याख्या। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन ढलना अर्थात सूर्यास्त का समय आ जाना, दिन बीत जाना, धुंधल का अंधेरा छाने लगना, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है देखिए किसके लिए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, क्योंकि एक समय था लोगों के पास यातायात के साधन उतने नहीं थे, पैदल यात्रा करने वाले या पुराने यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी पर यात्रा करने वाले व्यक्ति सोचते थे कि सूर्य ढलने से पहले अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक, अपने घर तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अंधकार हो जाने पर वर्तमान की तरह उस समय रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, लैंप पोस्ट नहीं थे और जंगल से भी रास्ते गुजरते थे, सुनसान इलाकों से रास्ते गुजरते थे। तो अपने को सुरक्षित करने के लिए यात्री जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते थे। तो वैसे ही कोई व्यक्ति जो राह में कहीं चल रहा है वो जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच जाना चाहता है ताकि रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जब व्यक्ति चल चुका है अपनी गति
और अपनी राह की दूरी को सोचते हुए वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है, तो उसे लगता है कि मंजिल बहुत दूर नहीं है। उसकी मंजिल, उसका घर या जहाँ कहीं उसे पहुँचना है, वो लक्ष्य उससे दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी यात्री, और यात्री को पता है रात हो जाने पर वो घर से दूर रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, तो वो जल्द से जल्द अपने कदमों को गति देता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहता है, ताकि रात ढलने से पहले वो अपने घर तक पहुंच जाए। ये तो सामान्य व्यक्तियों की बात है जो अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने प्रियजनों तक पहुंच जाना चाहते हैं, और इसका अनुभव आपने अभी देखा भी होगा। लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को लगता है कि बाहर रहने की बजाय जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास आश्रय ही नहीं है। वो सड़कों पर कहीं भी रात बिताने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं कविता की, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। यहां बच्चों का अर्थ इंसानी बच्चों की बजाय आप अगली पंक्ति से लेंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ घोंसले, कि वो पक्षी जो सुबह उड़ान भरकर घोंसला छोड़कर, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर चले गए, अब वो लौट कर आएंगे तो बच्चों के लिए दाना लेकर आएंगे। इसी आशा से, इसी उम्मीद से कि सूर्यास्त हो रहा है, पक्षियों को भी समय का एहसास होता है, सूर्यास्त होते होते उन्हें भी लगता है कि अब रात होने वाली है, उनके माता पिता जो उनके लिए दाना खाना चुगने गए हैं वो ले आए। दो तरह की प्रतीक्षा है, एक तो भूख मिटाने की लालसा, दूसरे अपने माता पिता के पंखों में सुरक्षित हो जाने की कामना। तो ये पक्षी भी इसी प्रत्याशा में, इसी आशा में, इसी उम्मीद में अपने गर्दन उचका उचका कर अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। इस कल्पना से वो पक्षी जो कहीं दूर रह गए, वो अपने पंखों की गति को बढ़ाकर जल्द से जल्द अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है घर में उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। सामान्यतः एक और कविता हम पढ़ेंगे, पतंग, उसमें भी बच्चों का जिक्र किया गया है, तो कभी कभी हम दोनों कविताओं को आपस में मिला देते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, नीड़ों की बात की गई तो नीड़ों का अर्थ यहाँ घोंसले से है, और घोंसले में पक्षी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ जो बच्चे हैं वो इंसानों के बच्चों की बात नहीं की जा रही, बल्कि पक्षियों के बच्चों की बात पहले की जा रही है। यह ध्यान यानी यह चिंता पक्षियों के उन पंखों में जो उड़ान के बाद थक भी चुके हों तो भी एक गति भर देता, और पक्षी जल्द से जल्द अपने घोंसले में, अपने कलरव करते उन शिशुओं के पास पहुंच जाना चाहते, ताकि वो उनकी भूख मिटा सकें, स्वयं भी सुरक्षित हो जाए और अपने बच्चों को भी सुरक्षित महसूस करने दें। अंतिम काव्यांश जिसमें कवि ने अपनी मार्मिक पीड़ा को व्यक्त किया है, देखेंगे, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल अर्थात व्याकुल, क्योंकि ऊपर की दोनों स्थितियां सुखद स्थितियां हैं, कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है तो उनके पाँव में, उनके पंखों में गति है, जबकि कवि का मानना है मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। मैं एकाकी जीवन जी रहा हूं, इस एकाकी जीवन में मुझसे मिलने की आशा प्रत्याशा किसी के मन में नहीं, तो मैं किसके लिए अपने पाँव की गति को बढ़ाऊं, मैं हूं किसके हित चंचल, कि मैं घर जाऊं भी या ना भी जाऊं पूछने वाला कौन है। जैसे बच्चे थोड़ा भी घर देरी से पहुंचने के लिए रास्ते में कहीं अटक जाते हैं तो बच्चों के माता पिता तुरंत स्कूल में फोन करेंगे कि बच्चा स्कूल से निकला कि नहीं निकला, अब तक घर नहीं पहुंचा, और बच्चों को भी लगता है हमें घर बताकर आना चाहिए, और नहीं बताया तो वो भी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं ताकि माता पिता चिंतित ना हो। लेकिन कवि एकाकी जीवन जी रहा है, और स्थिति में वो पूछता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं, तो भला मैं किसके हित में अपने पाँव की गति को बढ़ाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यह प्रश्न उनके पाँव की गति को मंद कर देता है, और उनके मन में एक व्याकुलता भर जाती है। और अंतिम पंक्ति लयात्मक रूप से कविता को पूर्ण करने के लिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इस कविता का काव्य सौंदर्य अगर हम बात करें तो यहां भी हम देखेंगे आशा और निराशा में डूबी ये कविता चित्रात्मक शैली है। आप देख सकते हैं कविता में चित्र भी बनाया गया है।
पक्षियों का घोंसला, घोंसले में छोटे छोटे बच्चे चोंच खोले इंतज़ार करते हुए। छोटी छोटी दो नाव भी दिखाई गई है जो मुसाफिरों का लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम है और वो भी जल्द से जल्द किनारे पर पहुंच जाना चाहती है। तो कविता में शैली क्या होगी? चित्रात्मक शैली। और कवि की भावुकता भी यहाँ प्रकट हो रही है तो भावात्मक शैली। चित्रात्मक व भावात्मक शैली की बात हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पढ़ा था। इस कविता की भाषा भी क्या होगी? खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ किया गया है और सरल शब्दावली है। सामान्यतः हम इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। रस शांत रस है, करुण रस है जहां कवि अपनी बात करता है, लेकिन बीच की पंक्ति में आप देखेंगे वात्सल्य रस। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम, जो लगाव है, उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। बिंब दृश्य बिंब की बात हम कर सकते हैं। नाद पक्षी कलरव कर रहे हैं, घोंसलों से झांक कर देख रहे हैं। शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग सामान्यता हुआ है। अलंकार जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रश्न अलंकार, जल्दी जल्दी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस कविता के हम प्रश्नोत्तर की बात करें तो देखेंगे इस कविता से दो प्रश्न हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चों के झांकने का मुख्य कारण अपने माता पिता के घोंसले में वापस सुरक्षित आ जाने का है, लेकिन भूख भी उनके साथ जुड़ी है तो उन्हें उम्मीद है कि उनके माता पिता उनके लिए कुछ दाना लेकर आएंगे तो उनकी भूख मिट पाएगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, किस कविता में सुख और दुख के समय किस प्रकार हमारी गति बदल जाती है, बढ़ जाती है और हम अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहते हैं। और जो खुशी और मस्ती के माहौल में चल रहा है उसके लिए दिन जल्दी बीत रहा है और जो कष्ट की स्थिति में है उसके लिए दिन बिताए नहीं बीत रहा है। तो इस तरह की स्थितियों में कविता में ये पंक्ति प्रयोग में लाई गई है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है अर्थात बीत रहा है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन कविताओं को स्वयं भी एक बार पढ़ें और गेय शैली में, क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ होगी, आपका अपना प्रभाव होगा, उन्हें गाकर पढ़ेंगे तो कविताएं याद रखना भी सरल होगा। और कवि और कविता का नाम अवश्य याद कर लें। कभी कभी आप खुश किस्मत होंगे तो ये प्रश्न बड़ी सरलता से आप उत्तर दे पाएंगे। दो अंकों का प्रश्न आ जाता है कभी कभी। काव्यांश दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया और उसके कवि कौन है। दो या चार शब्द लिखने से ही आप दो अंक अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। और कविता के अर्थ को समझकर आप उसके काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और कविताएं अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए तो मुश्किल होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये दो कविताएं आप आसानी से स्वयं पढ़कर भी अब समझ पाएंगे और आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। आप अपनी प्रतिक्रियाओं में अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम सबके पास समय है, हम इन वीडियोस को दोबारा भी देख सकते हैं और किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में तो आप उसे पूछें, उसका हार्दिक स्वागत। और अब दोनों कविताओं का एक बार सार हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे ताकि कविताएं हमें फिर से पढ़ते समय मुश्किल ना हो। हम शुरुआत करते हैं दूसरी कविता से जिसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि उसके आसपास जिन लोगों का कोई परिजन, कोई प्रियजन उनकी प्रतीक्षा कर रहा है उसके लिए वो जल्द से जल्द घर तक पहुंच जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी घोंसले में प्रतीक्षा करते अपने बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंच जाने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में पथिक के पांव में जो चंचलता है वो बढ़ जाती है, लेकिन कवि जब अपनी बात करते हैं तो उन्हें लगता है कोई उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, उनके मन में कोई व्याकुलता भी नहीं है और वो अपने घर क्यों जाएं। तो एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के मन की पीड़ा यहां व्यक्त हुई है, कवि की व्याकुलता यहां दिखाई दे रही है। और पहली कविता की एक बार पुनः हम दोहराते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आत्म परिचय कविता हमने कल पढ़ी थी, और आप जब भी कविताएं पढ़े तो कविताओं के प्रारंभ में उस कविता में कवि परिचय के बाद जो सार दिया जाता है उसे जरूर याद रखने की कोशिश करें। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपकी कविताओं को समझना आपकी साहित्यिक समझ को पैदा करने में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि उसमें कवि की मनस्थिति, कविता का मनोभाव, वो सब बड़ी सरलता और सहजता से समझे जा सकते हैं। और उन्हें समझ लेने से, फिर से कहूँगा, आपका साहित्यिक बोध बड़ा सशक्त हो सकता है। परीक्षा में अच्छे अंक आने से आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अपनी सुंदर लेखनी से इन शब्दों में जो विशिष्ट प्रयोग हुए हैं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपका कविताओं के प्रति ना केवल लगाव उत्पन्न होगा बल्कि आप स्वयं कविताएं रच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो काव्य खंड के अंतर्गत पहली कविता आत्म परिचय कवि के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है, जिसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि समाज से व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता, कटकर नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में उसने जन्म पाया है, सामाजिक रिश्ते नातों में उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान है, उसका परिवेश है। लेकिन इसी परिवेश में, दुनिया में अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को उसने प्रकट किया है। दुनिया से उसका संबंध प्रीति कलह का है, प्रीति अर्थात प्रेम, कलह अर्थात झगड़ा, प्रेम भरी छेड़छाड़, कि वो किसी से नाराज भी है तो रिश्ता समाप्त नहीं हो रहा, वो प्रेम बना रहता है, लेकिन मन की पीड़ा को व्यक्त कर दिया जाता है। उसके उन्मादों में अवसाद है, रोदन में राग है, शीतल वाणी में आग है, और विरोधों का ये सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी मस्ती और दीवानगी अपनाने के बाद यही कह रहा है, शायद गीत आपने सुना होगा, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। और गीति काव्य, गीति तत्व उनके इन दोनों कविताओं में बड़ी सरलता से आप महसूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कविता आप समझ चुके होंगे। आपके टिप्पणियों का, आपके प्रतिक्रियाओं का पुनः स्वागत, और फिर से एक बार अपने संसाधनों की कमी के बारे में क्षमा मांगते हुए मैं उम्मीद करता हूं हम जल्द ही इसमें सुधार करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल होंगे।